हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पावर सेट क्या होगा। अगर हमारे पास एक सेट गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो हम एक सेट तैयार करेंगे जिसमें इस सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, तो उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। ओके, जिसको रिप्रेजेंट करना है पी ए के साथ, विच इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट ही डालने हैं, सेट की फॉर्म में ही बनाना है इसको। हमने पहले फाई लिखना ही लिखना है इसमें। फाई मीन्स एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने रिजल्ट किया है पिछले पार्ट्स में कि ईच एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो फाइव लिखना ही लिखना है। देन ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन लिखना है। देन वन वन करके लिखना है सेट की फॉर्म में ही, ए देन बी देन सी। इसको भी हमने ऐसे ही ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है। फिर हम पेयर वाइज करेंगे, दो दो लेकर चलेंगे। फिर ए बी, बी सी देन ए सी, ये बन गई। देन सभी ले लेंगे, ए बी सी तीनों ही ले लेंगे, तो ये बन गया सेट, पावर सेट। क्लियर। सेम ऐसे ही -1 0 1 आ गया, अगर एक एलिमेंट्स आ गए एक सेट के, तो इसका पावर सेट क्या होगा। फाइव लेना ही लेना है। देन -1 0 1, -1,0 0,1, -1,1, देन -1 0,1, सभी तीनों ही ले लेने हैं इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जैसे हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अगर हम सबसे बड़ा जो सेट होगा, सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें जो, अगर हम दूसरे सेट्स की बात करें और वो सभी उसके सबसेट्स होंगे, तो उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जो किसी का भी सबसेट नहीं होगा। ओके, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करना है ये हमने। जैसे हमारे पास इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स है हमें गिवन, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें, दिस इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो ये यूनिवर्सल सेट क्या हो गया इसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेम ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी सबसेट होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, एंड सेम ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स भी होंगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड अगर हम नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स की ही बात करें, तो इस केस में क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सो इस केस में सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। और रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में सेट ऑफ रियल नंबर्स यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। जो भी मीन्स बड़ा सेट होगा विच इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स में से हम कितनी तरह के ट्राइंगल्स निकालते हैं। सेट ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो सभी ये जो ट्राइंगल्स होगी, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अगर हम सेट के फॉर्म में करें, बी सेट हमें गिवन है ये सभी एलिमेंट्स के साथ, एंड इसमें ए सी एंड E1 जो सेट्स दिए हुए हैं, दीज ऑल आर सबसेट्स ऑफ दिस बी सेट, सो बी सेट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। ओके, इसको हम यूनिवर्सल सेट की तरह कंसिडर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। मेन यही है कि यूनिवर्सल सेट जो होगा, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट। ओके, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट, मेन इसकी डेफिनेशन यही है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वेन डायग्राम कैसे बनानी है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।